राम राम जी, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, मल्टीपल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हैविंग मैक्सिमम डिग्रीज इन द फील्ड ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, विथ UGC नेट क्वालिफाइड इन योगा, संजीवनी काया शोधन संस्थान, राम शरणम आश्रम, जींद रोड गोहाना, सोनीपत हरियाणा, परिवार की तरफ से इस लाइव योगा सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी हमारे इस परिवार से जुड़ रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमने आपको कुछ योगिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं का अभ्यास कराया था, उसमें हमारा जो पहला क्रम था वो था अप टू डाउन का। उसके बाद हमने दूसरा क्रम किया डाउन टू अप का, और उसके बाद फिर हमने थर्ड क्रम किया पीठ के बल लेटकर की जाने वाली क्रियाएं, फिर हमने चौथा और फोर्थ क्रम किया पेट के बल लेटकर की जाने वाली क्रियाएं, और आज हमारा अगला क्रम होगा घुटनों के बल और खड़े होकर की जाने वाली सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं का अभ्यास। ये सारी योगिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं विशेष रूप से हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड शुगर के लिए, या फिर जिन्हें कोरोनरी आर्टिस बाईपास ग्राफ्टिंग करा चुके हैं, एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं, फिर से रीडू सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, या फिर कोई हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और उसके लिए आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट और थेरापी की ज़रूरत पड़ रही हो, तो उसके अल्टरनेट सॉल्यूशन है सब्स्टिट्यूट के रूप में इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग बनेगा ही बनेगा, साथ में हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हार्मोन्स अपने आप कंट्रोल और मैनेज रहने लगेंगे। तो आप जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं बैठेंगे, दरी पर, कंबल पर बैठेंगे, जो नीचे नहीं बैठ पाते हों वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, सहज स्वाभाविक सरल स्थिति में आप बैठेंगे। अगर आप आसन लगा सकते हैं तो आसन लगाएंगे, नहीं तो आराम पूर्वक स्थिति में बैठिएगा। दोनों हाथों की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, कमर मेरुदंड सीधा, आंखें बंद और नाक से खूब गहरा और लंबा सांस लेकर मेरे साथ साथ शब्दों के साथ साथ ओम शब्द की ध्वनि करेंगे। आरंभ कीजिएगा, ओम।
हथेलियों को आपस में रब करेंगे और इनके मध्य वाले भाग को आँखों को लगाएंगे, पामिंग करेंगे। और अब हम करेंगे योगिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं में आज घुटनों के बल की जाने वाली क्रियाएं। पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिएगा और अब आप इस प्रकार से पहले मेरे को देखेंगे, आसन को, क्रिया को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद आपको क्रिया का अभ्यास करना है। तो आप इस प्रकार की स्थिति में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं मार्जरी आसन, कैट स्ट्रेचिंग पोस्चर, यानी बिल्ली को क्रोध आने के बाद वो कैसे छोटे से होल्स में से निकल जाती है, पेंटर कैसे बॉडी की शेप को स्लिम ट्रिम मेंटेन कर दिखाता है। आपको भी अगर बॉडी को स्लिम ट्रिम और मेंटेन करना हो तो इस आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों में अंतर, दोनों हाथों में भी अंतर, तो घुटनों में और हाथों में भी अंतर। और अब क्या करना है, पीठ नीचे तो गर्दन ऊपर की तरफ, तो गर्दन नीचे और पीठ अंदर की तरफ, बैक डाउनवर्ड, नेक मैक्सिमम अपवर्ड साइड, तो नेक डाउनवर्ड, बैक मैक्सिमम अपवर्ड साइड। जब कभी भी आपको कैमल हम्पो, बुफेलो हम्पो, लॉस ऑफ लंबर, लोर्डोसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, हंच बैक, हम्प बैक, पोकर बैगो या वन साइडेड पेन और नंबनेस हो तो इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। अब मैं 10 काउंट करूँगा, आप आसन का अभ्यास करें। घुटनों में अंतर, हाथों में भी अंतर, तो घुटनों में हाथों में भी अंतर, तो बैक डाउनवर्ड और नेक अपवर्ड साइड, तो नेक डाउनवर्ड और बैक अपवर्ड साइड। 10 और रिलैक्स। अब इसी का हम सेकेंडरी पोस्चर करेंगे, जिसे कहते हैं टाइगर पोस्चर। यदि आपको स्लिप डिस्क है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं टाइगर पोस्चर। क्या क्या करेंगे, एक एक लेग को स्ट्रेच करेंगे और नेक अपवर्ड साइड, बस। और उसके बाद इसी को दूसरे पैर से भी करेंगे इस प्रकार से और नेक अपवर्ड साइड, देखिए इस प्रकार से नेक अपवर्ड साइड, बस। अब आप 10 काउंट्स तक इस प्रकार से टाइगर पोस्चर कीजिएगा। इससे आपको कभी भी स्लिप डिस्क के लिए ऑपरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए इस प्रकार से कीजिएगा 10 काउंट तक, 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। अब आपको दूसरे पैर से वही टेन काउंट तक करना है कि पैर को उठाकर इस प्रकार से और नेक अपवर्ड साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और रिलैक्स। अब इसी के आप एक तीसरी क्रिया और कीजिएगा जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम की नर्व्स भी कंप्रेस हो गई हो स्लिप डिस्क की वजह से तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। हंच बैक, हम्प बैक, पोकर बैक के लिए, लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए कि पैर को इस प्रकार से कर पैर को थोड़ा सा घुटनों से मोड़ेंगे और हाथ को इस प्रकार से रखेंगे लेकिन नेक अपवर्ड साइड। देखिएगा मेरे को, फिर से इसी को हमने दूसरे पैर से करना होगा। पैर को इस प्रकार से ले जाकर घुटनों से मोड़ेंगे और हाथ को इस प्रकार से रखेंगे। दोनों तरफ से बदल बदल कर क्रिया का अभ्यास करना होगा। अब आप मेरे साथ साथ टेन काउंट्स तक कीजिएगा। पहले राइट लेग से पैर को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे और अपोजिट हैंड को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। अब इसी को दूसरे पैर से भी, लेफ्ट लेग को भी इस प्रकार से ले जाएंगे घुटने से मोड़कर अपोजिट हैंड को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और रिलैक्स। और इस प्रकार से विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को निर्मित करता है, एज प्रोसेस को कंट्रोल में करता है। और अब इसी के अंतर्गत हम करेंगे अगला आसन का क्रम, खड़े होकर की जाने वाली क्रियाएं। अब आप लोग इस प्रकार से आराम पूर्वक स्थिति में खड़े हो जाइएगा और खड़े होकर की जाने वाली क्रियाओं में सबसे पहले और महत्वपूर्ण क्रिया हम करेंगे नोली क्रिया। जो कोई डाइट और एक्सरसाइज फॉलो अप नहीं कर पाते हो और टमी इनसाइड रखना चाहते हो, अंदर रखना चाहते हो, तो आपको करनी चाहिए नोली क्रिया का अभ्यास। क्या करेंगे? देखिए नोली क्रिया में आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छी सी क्रिया का अभ्यास बताऊंगा। नोली क्रिया, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा इस प्रकार से, पैरों को खोलकर घुटनों से मोड़कर इस प्रकार से हाथों को थाइस पर रखेंगे, इस प्रकार से हाथों को थाइस पर रखेंगे यानी घुटनों से ऊपर रखेंगे। पहले मेरे को देखेंगे, नाक से सांस को निकाल देंगे और उसके बाद इसको बाहर ही रोके रखेंगे। जब तक आप सांस को बाहर रोक सकते हैं रोकने की कोशिश करेंगे और सिर्फ खाली पेट का पंपिंग करेंगे। कैसे? बस। और उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे इस क्रिया का अभ्यास करना है, इसको कहते हैं नोली क्रिया। नाक से सांस को निकाल देंगे, उसके बाद बाहर ही इसको रोक के रखना है, न सांस को लेना और न छोड़ना है। और जब तक आप रोक सकते हैं रोकने की कोशिश करेंगे
और तब तक खाली पेट का पंपिंग करेंगे। एटलीस्ट 10 काउंट्स तक आप इस क्रिया का अभ्यास कीजिएगा। करते हैं क्रिया को। पैरों को घुटनों से मोड़कर हाथों को थाइस पर रखेंगे इस प्रकार से, गर्दन सीधा, नाक से सांस को निकालकर खाली पेट का पंपिंग कीजिएगा। इस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स। समझ में आना चाहिए। एक बार फिर करो आप। इससे आपका लीवर, किडनी, यूट्रस, ओवरी, इंटेस्टाइन्स प्रॉपर फंक्शनिंग में आने लगती है और सेंट्रल ओबेसिटी वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। फिर क्रिया का अभ्यास करते हैं। पैरों को घुटनों से मोड़कर थाइस पर रखेंगे, घुटनों से ऊपर रखेंगे, नाक से सांस को निकालकर खाली पेट का पंपिंग कीजिएगा 10 काउंट्स तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स हो जाएंगे। जब कभी भी आप खाली पेट हो आप इस नोली क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसी नोली क्रिया के साथ हम अगली क्रिया करेंगे चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए, फेफड़ों की कैरिंग ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, फेफड़ों में मजबूती लेने के लिए, लंग्स को सुदृढ़ करने के लिए। पैरों को आपस में मिला लेंगे, हाथों को इस प्रकार से थाइस पर रखेंगे, पैरों को मिलाकर पहले मेरे को देखेंगे और मैं धीरे 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 सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर पीछे की तरफ जाऊंगा और उसके बाद हाथों को वापस से सामने की तरफ लाते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ूंगा। देखिए किस प्रकार से, मेरे को देखेंगे। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ रुकेंगे, जितना पीछे जा सकेंगे जाने की कोशिश करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे और उसके बाद धीरे 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 सांसों को छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ सामान्य स्थिति में ले आएंगे। ठीक है, क्रिया का अभ्यास कीजिएगा। देखिए मेरे साथ, मैं फिर करता हूँ क्रिया को। एक बार आप मेरे को देखो, समझो और फिर क्रिया का अभ्यास कीजिएगा। अब फिर से क्रिया का अभ्यास कीजिएगा। सांस को भरेंगे और हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस प्रकार से। फिर कीजिएगा, फिर से वही 10 काउंट्स तक, कम से कम एटलीस्ट 5 राउंड लीजिएगा। हाँ, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ, पीछे की पीछे, और उसके बाद फिर से सांस को छोड़ते हुए आराम आराम पूर्वक स्थिति में लाएंगे। ऐसे 5 राउंड कीजिएगा। 2, फिर कीजिएगा 3, फिर कीजिएगा 4, फिर कीजिएगा एक बार 5, अब इसी की दूसरी क्रिया क्या करेंगे, फिर से देखिएगा। हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद फिर से सांस को छोड़ते हुए आराम पूर्वक स्थिति में आ जाएंगे। देखिए मेरे को देखिएगा, एक बार समझ में आ जाए उसके बाद क्रिया का अभ्यास कीजिएगा।
अब आप 5 राउंड तक इस क्रिया का अभ्यास करो, हाथों को इस प्रकार से चिपकाकर पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। पहली क्रिया में हाथों को ऊपर ले जाना होता है, फेफड़ों को इस तरफ खींचना है, और उसके बाद फिर सेकंड में आपको इस प्रकार से खींचना है। ये हमारी हो गई चेस्ट से पेट की, ये पेट की थी और ये छाती के लिए। और अब अगली क्रिया हम करेंगे कमर के लिए, जिन्हें बहुत ज़्यादा कब्ज रहती हो, गैस रहती हो, एसिडिटी रहती हो, पेट फूल जाता हो, भारीपन हो जाता हो, आँतों में कोई भी आपको इन्फेक्शन हो, एक्यूट कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, नेक्रोसिस हो, क्रिया का अभ्यास क्या करते हैं, हाथों का ग्रिप्स बनाएंगे, पैर आपस में मिले हुए रहेंगे और ग्रिप्स बनाकर हाथों को कान की सीध में ऊपर ले जाएंगे, और उसके बाद कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ, तो फिर कमर से ऊपर के हिस्से को ठीक से दूसरी तरफ, बदल बदल कर क्रिया का अभ्यास आपको करना है। क्रॉनिक कॉन्स्टिबेशंस, अम्योबाइसिस, वम्स इन्फेस्टेशंस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, एक्यूट कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें इस आसन का अभ्यास करना है, ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन, और फिर हाथों को इस प्रकार से स्ट्रेच कर ले आएंगे। अब आप क्रिया का अभ्यास मेरे साथ कीजिएगा, पैरों को आपस में मिला लेंगे, हाथों का ग्रिप्स बनाकर कान की सीध में ऊपर, और अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद हाथों को इस प्रकार से स्ट्रेच कर ले आएंगे। अब इसी का हमें एक सेकेंडरी पोस्चर और करना है, पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लीजिएगा, हाथों को कान की सीध में, कंधों की सीध में, अंगूठे रंगुलियाँ आपस में मिलाकर रखेंगे, और अब कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ, तो ठीक अब इसी प्रकार से कमर से इससे ऊपर के हिस्से को दूसरी तरफ, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स को प्रभावित करती है, बॉडी को डिटॉक्स, बॉडी को रिफाइन और बॉडी को रिजुविनेट करती है, और उसके बाद इस प्रकार से ले आएंगे। अब आप 10 काउंट्स तक क्रिया का अभ्यास करेंगे, हाथों को इस प्रकार से कान कंधों की सीध में फैलाएं, स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ 10 काउंट्स तक क्रिया का अभ्यास करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद इस प्रकार से रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसी के हम एक और क्रिया करेंगे, उसमें हमें क्या करना है, हाथों को इस प्रकार से पैर की सीध में फैलाएंगे,
कमर को मेरुदंड को सीधा रखेंगे, जिनकी चलने फिरने के दौरान शारीरिक संतुलनता नहीं बन पाती हो, चलने फिरने के दौरान पैरों में लड़खड़ाहट हो जाती हो, तो क्या करते हैं, हाथ पैरों की सीध में रखेंगे, गर्दन सीधा, और अब एक एक पैर के अंगूठे के आगे इस प्रकार से एडी को मिला मिला कर चलेंगे। ये हमारे सेरिबेलम को प्रभावित करता है, जिनको सेरिबेलम एटैक्सिया या सेरिबेलम एट्रोफी की प्रॉब्लम्स रहती हो तो इस क्रिया का अभ्यास करते हैं, और उसके बाद फिर से इसी प्रकार से एक एक पैर की एडी के पीछे अंगूठे को रखकर मिला मिलाकर इस प्रकार से एक उस जिस स्ट्रेट लाइन में गए थे उसी स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। क्रिया आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आप 5 काउंटिंग में आगे चलेंगे और 5 कदम पीछे चलेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 कदम पीछे चलिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और रिलैक्स। यह आपको सेरिबेलम एट्रोफी हो, सेरिबेलम एटैक्सिया हो, तो उसके लिए क्रिया का अभ्यास करो। अब एक और क्रिया करेंगे हम नी जॉइंट्स पेन के लिए, साथ में क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस और हैमिंगस्टन्स मसल्स को प्रभावित करता है। क्या करेंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर लेंगे, हाथ वही पैरों की सीध में रखेंगे, और अब एक एक पैर की एडी से ऐसे हिप्स को क्रॉस में टच कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस और हैमिंगस्टन्स मसल्स को प्रभावित करता है, जिनको नी जॉइंट्स में पेन रहता हो तो क्रिया का अभ्यास करते हैं। अब आप 10 काउंट्स तक क्रिया का अभ्यास कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स। और अब आज की लास्ट एंड फाइनल क्रिया करेंगे, जिनको पंजों में दर्द रहता हो, एडियो में दर्द रहता हो, किसी भी प्रकार का आपको डॉर्सम पार्ट ऑफ दी फीट में पेन रहता हो, पैरों में नमनेस रहती हो, हाथों को कान की सीध में ऊपर और पंजों को ऊपर नीचे करते हुए मुट्ठियों को खोलेंगे और इस प्रकार से बंद करने की कोशिश करेंगे। पंजों को ऊपर नीचे करते हुए मुट्ठियों को खोलें और बंद करने की कोशिश करें। अब आप 10 काउंट्स तक क्रिया का अभ्यास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स। हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे, रब कर कर आँखों को लगाएंगे, चेहरे को स्पर्श करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए शव आसन की स्थिति में इस प्रकार से लेट जाएंगे। आराम पूर्वक स्थिति में, पैरों में थोड़ा सा अंतर, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आधी मुट्ठी खुली, आधी मुट्ठी बंद, आंखें बंद। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई दबाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। और अपने मन को अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर के चोटी वाले स्थान तक की यात्रा में लगा लें, तो सिर के चोटी वाले स्थान से लेकर पैर के अंगूठे तक की यात्रा में लगा लें। एक एक अंगों का निरीक्षण करें, एक एक अंगों की कार्य प्रणाली को देखें, एक एक अंगों की होने वाली संवेदनाओं को अनुभूत करें और ऐसा महसूस करो, ऐसा अनुभूत करो कि आपका प्रत्येक अंग बहुत ही धीरे धीरे शांत
तो बहुत ही धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, शिथिल शिथिल शिथिल। आपका संपूर्ण शरीर शांत हो रहा है, आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई बंधन नहीं, आप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आप बंधनों से मुक्त। परंतु फिर से ब्रह्मांड से, परमलोक से एक अदृश्य शक्ति आपके सिर के चोटी वाले स्थान से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। श्वास प्रश्वास की क्रियाएं सामान्य हो चुकी है, रक्त का पूर्णतया शुद्धिकरण हो चुका है, आप तन मन आत्मा से स्वस्थ हो चुके हैं और मन ही मन आपको दोहराना है, ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। पुनः चेतना की स्थिति में आएंगे, धीरे धीरे अपने अपने हाथ पैरों को हिलाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने हाथ पैरों को हिलाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, रब कर कर आँखों को लगाएंगे और नए जीवन की शुरुआत करने के पूर्व अपने परम गुरु को प्रणाम करें, गुरु को नमन करें, गुरु को धन्यवाद कहें और अपने गुरु के आशीर्वाद को लेकर करवट लेते हुए लेफ्ट एंड राइट साइड लेकर, लेफ्ट एंड राइट टर्न लेकर, दाई बाई करवट लेकर, दाई बाई साइड लेकर अब आपको उठकर बैठना है। और अब हम करेंगे कुछ योगिक प्राणायाम का अभ्यास, और उस योगिक प्राणायाम के अंतर्गत आज हम करेंगे, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि भाई सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है, और उस सूर्य भेदी प्राणायाम के अभ्यास में हमने आपको बताया था कि आपको राइट नॉस्टिल से सांस को लेना है, दोनों नॉस्टिल को बंद कर कर सांस को आपको रोकना है और उसके बाद आपको लेफ्ट नॉस्टिल से सांस को निकाल देना है। सांस लेते हुए पेट को फुलाना है, सांस को रोकते हुए पेट को फुलाकर रोकना है और सांस को बाहर निकालते हुए पेट को पिचकाना है। और इसका जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो है 1:2:1। पहले हम 5 काउंट करेंगे, आप राइट नॉस्टिल से लेंगे, मैं 10 काउंट्स करूंगा, आप सांस को अंदर रोकेंगे, मैं 5 काउंट करूंगा, आप लेफ्ट नॉस्टिल से सांस को बाहर निकाल देंगे, गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा। क्रिया का अभ्यास इस प्रकार से कीजिएगा, हाथ की मुद्रा बनाकर रखें, लेफ्ट नॉस्टिल को बंद, पहली अंगुली से आज्ञा चक्र को दबा लें और अब आप राइट नॉस्टिल से 5 में डीप इनहेल करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, दोनों नॉस्टिल को बंद कर कर 10 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लेफ्ट नॉस्टिल से 5 में डीप एक्सेल, 5, 4, 3, 2, 1 और रिलैक्स। अब हम इसका दूसरा बंद लगाएंगे जिसे कहते हैं जालंधर बंद। मैं 5 काउंट करूंगा, आप राइट नॉस्टिल से सांस को लेना, मैं 10 काउंट्स करूंगा, आप ठुड्डी कंडकूप के लगाकर जालंधर बंद लगाएंगे और वापस से फिर गर्दन को सीधा करकर लेफ्ट नॉस्टिल से 5 में धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देंगे। क्रिया का अभ्यास कीजिएगा, हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखें, दूसरे हाथ को उठाकर नाक पर रखकर लेफ्ट नॉस्टिल बंद कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1 और रिलैक्स।
अब इसी का आपको और ज़्यादा एडवांस स्टेज के लिए आपको क्या करना है, अभी हमने 1:1 का रेशो रखा था, अब आपको 1:4:1 का रेशो रखना है। मैं 5 काउंट करूँगा, आप राइट नॉस्टिल से सांस को भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, मैं 20 काउंट करूँगा, आप जालंधर बंद लगाएंगे अर्थात ठुड्डी कंठकूप के लगाकर सांस को रोकेंगे 20 काउंट तक, और उसके बाद 5 में लेफ्ट नॉस्टिल से धीरे धीरे इसको सांस को बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर की तरफ पिचकाएंगे। क्रिया का अभ्यास कीजिएगा, हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखें, दूसरे हाथ को उठाकर नाक पर रखकर लेफ्ट नॉस्टिल बंद और राइट नॉस्टिल से 5 में सांस को भरिएगा 1:2:3:4:5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1 और रिलैक्स। अब इसी का हम एक और एडवांस करेंगे, पहले हमने रेशो 1:1 रखा, सेकंड में आपने इसका रेशो 1:4:1 रखा, अब एक और लास्ट एंड फाइनल करेंगे, अब इसका रेशो हम 1:4:2 कर देंगे। सपोज करो 5 काउंट करते हुए आपने राइट नॉस्टिल से लिया है, 20 काउंट तक आपको सांस को रोक कर रखना है और 10 काउंट्स में आपको लेफ्ट नॉस्टिल से इसको सांस को बाहर निकालना है। सांस लेते हुए पेट फुलाएंगे, सांस को रोकते हुए पेट को फुलाकर रोकेंगे और सांस को निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ पिचका देंगे। क्रिया का अभ्यास, हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखें, हाथ को उठाकर नाक पर रखकर लेफ्ट नॉस्टिल बंद, आँखें बंद, आरंभ कीजिएगा राइट नॉस्टिल से 1:2:3:4:5 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और रिलैक्स। आप घर पर आप इसको 6, 24 और 12 में फिर से क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास मैं आपको फिर कल नए सेशन में कराऊंगा। अब हम 5 बार ओम की भ्रमर की ध्वनि करेंगे, महाप्राण की ध्वनि करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहली अंगुली से कान को बंद कर लें, आंखें बंद, मुंह बंद और नाक से सांस को लेकर नाक से ओम की भ्रमर की ध्वनि कीजिएगा 5 times।
उंगलियों को कान में घुमाइएगा इस प्रकार से, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, 3 से 5 बार कान को पकड़कर नीचे की तरफ खींचेंगे, 3 से 5 बार साइडों में खींचेंगे, 3 से 5 बार ऊपर की तरफ खींचेंगे, क्लॉक में ऐसे ट्विस्ट करेंगे, एंटी में ट्विस्ट करेंगे और दोनों हथेलियों उंगलियों के बीच में कान को फंसाकर इस प्रकार से रब करेंगे, हथेलियों को आपस में रब करेंगे, आँखों को लगाकर पामिंग करेंगे। और अब हम जो हमारा पिछला सेशन में था उनमें आप में से कईयों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपको उन क्वेश्चनों का जो घरेलू उपचार है वो बताऊंगा। इनमें से पहला क्वेश्चन पी जैन साहब ने पूछा है और ये पूछना चाहे कि मेरे हाथों में हमेशा नंबनेस बनी रहती है, यानी उन्होंने बताया कि जब मैं सोता हूँ तो मेरे हाथों में नंबनेस आ जाती है। तो जैन साहब, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये समस्या हो सकता है कि ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की हो, और आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या का समाधान चाहिए तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी कच्ची हल्दी, बाज़ार में आम तौर पर गीली कच्ची हल्दी मिल जाया करती है, आप दिन में 2 बार चुटकी भर कच्ची हल्दी दूध में उबालकर या गीली हल्दी को थोड़ा सा दूध में कद्दूकस कर आपको दिन में 2 बार पीना चाहिए, तो आपके शरीर में कोई भी इन्फ्लामेशन हो, यानी आपको सर्वाइकल पेन हो या कमर में लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और बाकी हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कुछ एक्सरसाइज कराई थी, अगर आप वो भी अगर प्रतिदिन करते रहेंगे तो आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर रोज़ चुटकी भर कच्ची हल्दी दिन में 2 बार दूध में उबालकर छानकर आप उसका सेवन करो, निश्चित रूप से आपको आराम आ जाएगा, आपके हाथों में कोई नंबनेस नहीं आएगी। उसी प्रकार से चारू नरवाल जी ने क्वेश्चन किया है, चारू नरूला जी उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मेरे को मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आती है। तो चारू नरूला जी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर मॉर्निंग टाइम में आपको स्नीजिंग आती है तो वो ये शो करता है कि कहीं आपको कहीं कोई साइनोसाइटिस या राइनाइटिस या कोई एलर्जिक तो नहीं है आप कहीं, ये उसको इंगित करता है। और उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको हर रोज़ रात को सोने के वक्त चम्मच में थोड़ा सा गाय के देसी घी का को गरम कर लेना, चम्मच में देसी घी डालें और हल्का सा उसको गरम करें और अपनी उंगली से दोनों नाक में रोज़ रात को सोते वक्त एक एक दो दो बूंद लगा लें या नाक में घी से उसकी मसाज करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और नहीं तो 1 गिलास पानी में 3-4 बूंद आप यूकेलिप्टस ऑयल की, सफ़ेदे के पेड़ के तेल की कुछ बूंदें पानी में डालें, उसकी भाप बनाएं और नाक से खींचें, मुंह से निकालें, नाक से खींचें और मुंह से निकालें, ऐसे 5-7 बार आप करेंगे, 5-7 दिन करेंगे तो आपको कभी भी स्नीजिंग की समस्या नहीं होगी। उसी प्रकार से रमेश तंवर जी ने क्वेश्चन किया है कि मेरे को नोज ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम है। तो रमेश तंवर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको भी अगर नोज ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम्स रहती है तो वो ये शो करता है कि आपको भी कहीं कोई साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो नोज जो बोन्स है उसमें डेविएशन हो जाता है जो साइनोसाइटिस राइनाइटिस की प्रॉब्लम्स को बताता है। आपको भी चम्मच में रात को सोते वक्त चम्मच में थोड़ा सा शुद्ध गाय का देसी घी या जो भी घी आपके पास है अवेलेबल, आप उसको हल्का सा गर्म करो
और सोने के वक्त उंगली से दोनों नाक में आप उसकी लेके मसाज करें, 5-7 दिन ऐसे करें, यूकलिप्टस ऑयल से फेशियल स्टीम लें, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी प्रकार से वंदिता जी ने पूछा है कि गिलोय ड्रॉप शुगर लेवल, क्या गिलोय जो है वो शुगर लेवल को कम करती है? देखिए, जितनी भी नेचुरल हर्ब्स हैं ये कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति को नहीं बनने देती, इसलिए आप गिलोय का सेवन करो। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रेगुलर रूटीन में आप गिलोय का सेवन नहीं करो। आपको जब समस्या है तो आप 5-7 दिन इस गिलोय के रस का काढ़े का सेवन करो और उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी कभी भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में ये नहीं जाने देगा। फिर भी आपको अगर कभी भी किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आप अपनी समस्याओं का निवारण चाहते हो घर बैठे, तो आप प्रतिदिन मॉर्निंग में 10 to 12 ये व्हाट्सएप पर जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब हम 5 बार फिर से ओम शब्द की ध्वनि करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब कभी भी आपको समय मिले आप संजीवनी काया शोधन संस्थान में आएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराएं, रिफाइंड कराएं, ग्रीसिंग कराएं और डेंटिंग पेंटिंग कराएं। 5 बार ओम की ध्वनि करेंगे तो आप जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं बैठेंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर आंखें बंद और नाक से सांस को लेकर 5 बार ओम की ध्वनि कीजिएगा। हथेलियों को आपस में रब करेंगे, आँखों को लगाएंगे, पामिंग करेंगे और सांस महसूस करते हुए बोलिए। अब हम आपसे कल फिर इसी वक्त मॉर्निंग में 7:30 पे मिलते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।